शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही कांग्रेस विद्रोह के मूड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को रेप इन इंडिया वाले बयान पर घेरने की कोशिश की थी, तो लगा कि राहुल एक बार फिर से बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन राहुल ने सदन के बाहर निकलने के बाद ही स्पष्ट कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा जारी है। नॉर्थ ईस्ट में इसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है, वहीं असम में 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। शनिवार सुबह पूरी तरह से असम के कई इलाके में कर्फ्यू लगा रहा। अधिकारियों का दावा है कि परिस्थिति सामान्य होने पर ही इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अपना मौन व्रत तोड़ देंगे। यूपी की बीजेपी सरकार तो बेशर्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था उसके बस के बाहर की बात है। साल 2019 में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल में हार के साथ ही खत्म हो गया। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का रास्ता रोकने वाली न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही, तो भारत को लगातार दूसरा सेमीफाइनल से ही बाहर होना पड़ा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि कानून अपने हाथ में ना लें, रास्ते रोकने और आम लोगों को जिस कार्य से दिक्कत पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य न करें। उन्होंने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। नेपाल में एक बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी नेपाल के धनुषा जिले में शुक्रवार देर रात हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी और 2 नागरिक शामिल हैं। शिरोमणि अकाली दल के स्थापना दिवस 14 दिसंबर के दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल को तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। सुखबीर बादल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए किसी ने प्रस्ताव नहीं किया था। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। राशिद ने शनिवार को कहा कि जिस तरह मुसोलिनी, हिटलर, मोदी भारतीय मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, वह दोनों देशों को युद्ध की तरफ ले जा सकता है। राशिद पहले भी विवादित बयानबाजी करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल्ला अपने घर में ही रहेंगे। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता संशोधन कानून बनाए जाने के कारण विरोध और हिंसा की खबरों के मद्देनजर सावधानी बरतनी चाहिए।